बिस्मिल्लाम सो स्टूडेंट्स असलाकुम कैसे हैं आप आफ्टर द विंटर वैकेशन्स टूडे आवर टॉपिक अबाउट लेक्चर नंबर ट्वेंटी क्लास थर्ड ईयर थर्ड ईयर स्टैटस्टिक्स स्टेटस्टिक्स हमारे पास है ठीक है तो हमारे पास जो है आज जो हमने टॉपिक करना है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास हमने लास्ट जो अगर आप अपनी बुक्स पे देखें या लास्ट लेक्चर को आप विज़िट करेंगे तो हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में वेटेड इंडेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था जिसमें पाशी इंडेक्स नंबर और वे फिशर इंडेक्स नंबर और देन उनके जो है वो ड्रॉबैक्स पड़े थे और उनकी इम्पॉर्टेंट पड़ी थी सो so, आज हमने पढ़ना है वॉशल इंडेक्स नंबर वॉशल इंडेक्स नंबर क्या है वॉशल इंडेक्स नंबर हमारे पास है ये भी जो है वो इंडेक्स नंबर जो वेटेड इंडेक्स नंबर है उसी का हिस्सा है कहता है वॉशल एडोकेट दैट द वेट्स शुड बी द जोमेट्रिक मेन ऑफ द बेस एंड गिवन पीरियड क्वान्टिटीज ये एक्चुअली में हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है गिवन और गिवन बेस पीरियड की और गिवन पीरियड की इट इज़ अ टेकिंग देयर सिंपल एवरेज आप इसको सिंपल एवरेज या ज्योमेट्रिक मीन भी कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं इसका फार्मूला सिंबोलिकली ये होता है पी जीरो नॉट इज इक्वल टू समीशन ऊपर जो हम सम कर रहे होते हैं वो है करंट ईयर प्राइस देन इसका ज्योमेट्रिक मीन है टू क्वांटिटी बेस क्वांटिटी एंड करंट क्वान्टिटी जो आप ले रहे होते हैं इसी तरह नीचे भी वो आपके पास समीशन यहाँ नीचे प्राइस ऑफ बेस ईयर लेता है और अंदर फिर वो क्वान्टी जोमेट्रिक मीन ही बना रहा होता है जो है वो गिवन ईयर की आपके पास करंट की और बेस की मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ठीक है और देयर इज़ एन अदर फार्मूला नोन एज आ लोअर प्राइस इंडेक्स नंबर इन विच एवरेज वेट आर इज़ गिवन बाई वो कहते हैं कि एक अदर हमारे पास फार्मूला होता है विच इज़ एवरेज इज वेटेड आर यूज इट इज़ गिवन एस और इसी तरह लोअर प्राइस इंडेक्स नंबर का एक फार्मूला होता है समीशन पी एन क्यू और समीशन पी नोट क्यू क्यू इज़ ऑब्टेन बाई एवरेजिंग क्वान्टी ऑफ सेवर ईयर्स ये जो क्यू होता है यहाँ पर हम एवरेज सरावरिंग ईयर्स की जो है वो क्वान्टिट्टी लेते हैं ठीक हो गया देखें हम अब आज फर्स्ट एग्जांपल करते हैं इनकी रिलेटेड एग्जांपल नंबर फाइव पॉइंट सेवन फ्राम द फॉलोइंग टेबल कंप्यूट द वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर द एवरेज नाइनटीन आपके पास जो है वो फॉर द ईयर ऑफ आपने नाइनटीन नाइन्टी नाइन के लिए जो है वो एवरेज प्राइस बनानी है यहीं पे आप कंसल्ट करिएगा कि हमने कैसे इसको करना है इसी आपने बेस लेना है द बेसिस ऑफ एयर नाइनटीन नाइनटीन फिफ्टी किसके लिए नाइनटीन नाइन्टी नाइन के लिए आपने जो है वो कम्प्यूट करने हैं वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर वेटेड नंबर इंडेक्स ऑफ द ईयर वेटेड एग्रीगेट आपने निकालने ठीक है सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चे उसने आपको दिया है कॉमोडिटीज़ देन यूनिट्स और एवरेज मंथली कंजम्पशन पर फैमिली हर फैमिली मंथली उनका ये जो है वो निकाल के उन्होंने कंज़प्शन दी है और एवरेज प्राइस इन रुपीस में दिए हैं ठीक है ये रुपीस प्राइस में है अब ये जो कंज़प्शन है एवरेज मंथली हर मंथ वो कितने मतलब यूनिट अपने जो है वो थर्टी लीटर मिल्क करता है तो ये सारी बात है उसकी क्वान्टिटी है तो इट्स मीन कि ये जो कॉलम होगा वो हमारे पास क्यू नॉट का होगा क्योंकि नाइनटीन नाइन्टी फाइव को आपने क्या करना है बेस ईयर लेना है ठीक है अब इसी तरह ये प्राइस है तो ये पी नॉट जो है वो नाइन्टीन नाइन्टी फाइव पी नॉट होगा और नाइन्टीन नाइन्टी नाइन पी एन होगा ठीक है जैसे इसको अगर हम इसको समझना चाहें तो ये होगा मिल्क मतलब एक फर्स्ट जो फर्ज करें कोई भी फर्स्ट जो है फैमिली है वो थर्टी लीटर यूज मिल्क यूज़ करती है थर्टी लीटर क्वान्टिटी और उसकी प्राइस थ्री पॉइंट फाइव ज़ीरो जो है वो लीटर उसको पड़ रहा है दैट्स अ नाइन्टी में इतने रुपये का ही होता था लेकिन आज तो आपको सौ रुपये लीटर जो है वो दूध मिल रहा है 3.50 मतलब कि तीन रुपये पचास पैसे में उसको एक लीटर दूध मिल रहा है और अभी वो कहता है 1995 में इतनी प्राइस थी और 99 में उसकी फ़ोर रुपीज़ में उसको एक लीटर पड़ रहा है तो जारी है फोर लीटर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो उसका टोटल निकाल लेगा कितना अब क्योंकि उसने हमें बोला है कि एवरेज रिलेटिव एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो एवरेज एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का पीछे हमने फार्मूला है जो कि हमारे पास होता है पी समीशन वो आपके पास होता है लेस पियर, लेस लेसपेयर का फार्मूला अगर पढ़ेंगे तो वो आपके पास है कि जिसमें आपके पास बेस ईयर नीचे क्वांटिटी आ रही होती है बेस क्वांटिटी क्योंकि उसने यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि क्वांटिटी ऑफ़ बेस ईयर तो हमें यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ लेस पेयर का फार्मूला लगना है कैसे पता चला क्योंकि उसने हमें गिवन में क्वांटिटी ऑफ़ बेस ईयर की क्वांटिटी दी हुई है तो हमने कहा यहाँ पे जो है वो लेस पेयर का फार्मूला लगेगा हम जो है वो लेस पेयर का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास लेस पेयर फार्मूला है समीशन पी एन क्यू नोट क्योंकि उसने हमें क्यू नोट दिया है तो हम लेस पेयर का जो है वो फार्मूला यूज़ करने लगे हैं जो कि हमारे पास समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नाट क्यू नॉट मल्टीप्लाई में हंड्रेड है अब बच्चे एक फार्मूला का देख को ही पता चल जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अब उसने क्यू नोट तो हमें दिया हुआ है इसका मतलब है हमें दो कॉलम चाहिए एक पी एन का कॉलम और क्यू नोट मतलब पी एन को क्यू नोट से मल्टीप्लाई किया जाए और एक पी नोट का क्यू नोट के साथ कॉलम ठीक है ये दोनों कॉलम हम यहाँ से बनाएंगे सारी बातें ये देखें उसने आप कैसे कैलकुलेट करके देना है वो कहता है टू कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर वी नीड टू समीशन पी नॉट क्यू नोट और ये दो चीज़ें हमें चाहिए और हमें उसके लिए ये जो थी वो क्यू नाट का कॉलम था ये पी नॉट का और ये पी एन का सबसे पहले हमें बनाना है समीशन पी नाट क्यू नोट दैट इज़ अ लेस पियर फार्मूला ठीक है अपने डाटा गिवन डाटा को देखते हुए देखना है कि इसमें कौन सा जो है वो हमारा आ, जो है वो लगेगा फार्मूला ठीक है बज़ दफ़ा वो बताता है बज़ दफ़ा नहीं बताता फॉर एग्जांपल अगर वो यहाँ पे हमें क्यू एन दे देता तो बच्चे फिर आपको पाशी लगाना पड़ता ठीक है अगर वो हमें करंट ईयर की क्वांटिटी दे देता लेकिन उसने हमें बेस ईयर की क्वांटिटी दी है तो हम जो है वो बेस ईयर क्वांटिटी मेथड एग्रीगेट लगाने लगे हैं ये कोई Q को आप सबसे पहले P नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आपके पास बन जाएगा P नॉट Q नॉट देखिए जी थर्टी को थ्री पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन जीरो फाइव रुपीज़ में आपका थर्टी लीटर दूध आ रहा है ठीक है ये कॉलम बन जाएगा आपका इसी तरीके से आप ट्वेंटी फाइव को वन पॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व को फोर्थ से वन को ट्वेल्व से तो आपके पास ये कॉलम बनता चला जाएगा अब आपको चाहिए पी एन और क्यू नोट तो अब आप क्या करेंगे पी एन के फार्मूले को क्यू नोट के फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पी एन को क्यू नोट के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा थर्टी तो ये आएगा वन ट्वेंटी फिर आपके पास वन सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव और एट तो आप इसमें इसको लिस्ट करते जाएंगे अब आपने वही काम करना है क्योंकि इसके साथ सम है और सम का मतलब जो होता है वो प्लस होता है तो आपने इस पूरे कॉलम को सम कर लेना है और जो क्वांटिटी एंड पे आपके पास आ रही है ये वाली दिस वन द इज़ अ समीशन पी नोट क्यू नोट इस पूरी वैल्यूज़ को सम करके आपने ये लिखा तो ये है इसी तरह आपने इन पूरी वैल्यू को सम किया तो ये है समीशन पी एंड क्यू नोट अब आप ये जो आपकी फाइनल वैल्यूज़ हैं जो आपने सम करके निकाली हैं ये जो फ़ाइनल वैल्यू है इसको आप उठाएंगे ऊपर नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ अ वन ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन सेवन आंसर ये क्या कहेगा ये हमें ये कहता है कि हम इसको हंड्रेड बेस मान रहे होंगे तो हम कहते हैं द एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स ऑफ 1999 नाइन ऑन द बेसिस ऑफ नाइन्टी फाइव इज वन ट्वेंटी एट दिस मीन दैट दैव द प्राइसिज इनक्रीज आपकी प्राइसिज क्योंकि हंड्रेड तो आपका बेस है तो हंड्रेड में से बाकी कितना आप ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन सेवन तो आप कहेंगे कि आपकी प्राइसिस ट्वेंटी एट पॉइंट सेवन सेवन अट्ठाइस शारिया सात सात जो हैं वो परसेंट बढ़ गई हैं उन्नीस सौ पचानवे से आपकी कीमतें उन्नीस सौ नन्यानवे में अट्ठाईस फ़ीसद तक बढ़ गई हैं मतलब कि आपकी प्राइसिस इंक्रीज़ हुई हैं ठीक हो गया स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग वेटिड एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड वन फ्रॉम द गिन डाटा अब वो आपसे तीन जो है वो इंडेक्स नंबर डिमांड कर रहा है लेसपियर इंडेक्स नंबर पाशी इंडेक्स नंबर फिशन इंडेक्स नंबर डाटा उसने आपको दे दिया है वो कहता है टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन्टी का 1996 से 2000 थाउजेंड टू टू थाउजेंड का निकाल लें इसका मतलब बच्चे ये जो आपका डाटा समझना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब 1996 को वह बेस कह रहा है 2000 जो है अब आपके पास ये होगी P1 क्योंकि ये दो क्वान्टर दे रहा है P1 और ये आपको दे रहा है टू थाउजेंड टू वन देट इज़ अ ये प्राइसिस का कॉलम है तो पी टू दो क्वान्टिटीज दे रहा है इसी तरह ये नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स जो होगी वो क्यू नॉट होगा आपके पास और ये आपके पास Q1 होगा और ये Q टू होगा ठीक है ये Q नॉट हो गया Q1 और Q क्योंकि 1996 को उसने बेस बोला है तो ये क्वांटिटीज़ के कॉलम है अब सारी बात है बच्चे जैसे मैंने फर्स्ट करें यहाँ लेसपियर का फार्मूला लिखा जब आप फर्स्टली फार्मूला लिखेंगे लेसपियर का तो P नॉट वन लिखेंगे क्योंकि दो चाहिए ना एक आपके पास टू के लिए बनना है उसका और एक टू के लिए ठीक है जब इसके लिए बनाएंगे तो समीशन पी एन आपके पास जो है वो पी वन होगा और क्यू नॉट होगा ठीक है समीशन पी वन पी नॉट ओवर क्यू नॉट होगा ठीक है तो आप ये बना लेंगे जब आप यहाँ पे आएंगे तो जीरो टू दैट इज़ आ समीशन पी टू क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट तो ये आप लेस्पियर के फार्मूले की यूज़ करेंगे ठीक है इसी तरह जब आप पाशी के फार्मूले में आएंगे बच्चे तो ये देखें दो फार्मूले आप यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको पी वन पी नाट का कॉलम बनाना पड़ेगा तो बच्चे जारी बात है आप यहाँ पे पी वन पी नाट का कॉलम बनाएंगे और पी नाट क्यू नाट का कॉलम बनाएंगे ठीक है ये वाला कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम को बनाएंगे इसी तरह आपको पी टू के लिए पी टू क्यू नाट का कॉलम बनाना पड़ेगा और पी नॉट क्यों वन का तो ये कॉलम बना लेंगे आप इसको पुटअप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसी तरह बच्चे आपने क्या करना है पाशिफ इंडेक्स नंबर का फार्मूला देखें तो वो आपके पास पी वन क्यू वन ये आएगा और डिस वन ये वाला फार्मूला तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने कॉलम्स बनाते चले जाएंगे उन कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके आप इसमें आंसर्स रखेंगे और आंसर इसी तरह फिशर के भी दोनों क्योंकि ये दोनों आप ऑलरेडी जोमेट्रिक मीन होता है और ये दोनों चीज़ें आप क्वांटिटीज़ यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके होंगे उन क्वालिटी को आप फिशर में और उसके इंडेक्स नंबर्स में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो फ्यूचर आइडियल इंडेक्स नंबर का आंसर आ जाएगा सेम बच्चे इसी तरह द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ थ्री कॉमोडिटीज ड्यूरिंग नाइन्टी तो ये भी आपका फाइव पॉइंट नाइन एग्जाम्पल जो है वो भी सेम इसी तरीके से होगी इसी भी आपने स्टडी करना है ये एज असाइनमेंट है आपके पास ये भी आपने करनी है ठीक है नेक्स्ट ये काम भी आपने करना है इसकी भी समझ ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ठीक है तो इनको कर लेना है सिंपल जो है वो आपके पास कैलकुलेशन हैं इनको काम करना है और क्वेश्चंस कर लेने हैं और आगे आपके पास जितनी भी बचेंगे वो आप निकाल लेने ये वॉशल्स के और उसके वॉश के जो है वो इंडेक्स नंबर होंगे तो इसे आप कर लें वर्थ का और वॉशल का उसने प्राइस इंडेक्स नंबर लगाया तो ये आपने कर लेना ने। है इनशाला नेक्स्ट हमारा जो रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर का टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा आपके ट्वेंटी वन वाले लेक्चर में और स्टूडेंट था आपने बताना है कि आपको लेक्चर समझ आ गया कि नहीं ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़